दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अरबी के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ अरबी को किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारत के अलग अलग हिस्से में अरबी को अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ लोग इसके पत्तों की पकौड़े बनाकर खाते हैं, तो कुछ इसकी सब्जी। कई जगहों पर इसे व्रत में फलाहार के रूप में भी खाए जाते हैं। आसानी से मिल जाने के बावजूद भी अरबी बहुत अधिक लोकप्रिय सब्जी नहीं है, पर इसके फायदे चौंकाने वाले हैं। ये फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। जिस तरह आलू, कचालू, रतालू जमीन के भीतर उगाए जाते हैं, उसी तरह अरबी भी जमीन के भीतर उगाए जाते हैं। इसे कंद वर्ग की वनस्पति भी कहा जाता है, जो एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे लोग प्राचीन काल से ही उगाते आ रहे हैं। लोग इसकी जड़ की सब्जी तो बनाकर खाते ही है, साथ ही अरबी के पत्तों को भी सब्जी बनाकर खाई जाती है। गर्मी और वर्षा के मौसम में उगाई जाने वाली अरबी रक्त पित्त को मिटाने वाली, दस्त को रोकने वाली सब्जी है। चिकित्सकों के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर अरबी में आलू की अपेक्षा ज़्यादा पौष्टिक होता है। यह मस्तिष्क को स्वस्थ रखता ही है, साथ ही रक्त पित्त की विकृति को भी दूर करता है। अरबी खाने के फायदे। पहला, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याओं से बचाव के लिए अरबी में सोडियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा ये पोटेशियम और मैग्नीशियम के गुणों से भी भरपूर है, जिसके चलते ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। साथ ही ये तनाव दूर रखने में भी मददगार है। नंबर दो, कैंसर से बचाव के लिए अरबी में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को विकसित होने से रोकते हैं। नंबर तीन, मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद। अरबी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। अरबी खाने से इंसुलिन और ग्लूकोज की मात्रा का संतुलन बना रहते हैं। नंबर चार, वजन कम करने में सहायक। अरबी भूख को नियंत्रित करने का काम करती है, साथ ही इसमें मौजूद फाइबर्स मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाते हैं, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। नंबर पाँच, पाचन क्रिया को बेहतर रखने में। अरबी में भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पाचन क्रिया बेहतर बनी रहती है। डॉक्टरों की माने तो उच्च रक्तचाप की समस्याओं को दूर करने के लिए अरबी एक गुणकारी सब्जी है। अरबी की सब्जी 25 ग्राम मात्रा में रोजाना खाने से हृदय रोग में लाभ होता है। अरबी के पत्तों का रस निकलकर किसी हल्के आघात से होने वाले खून निकलने पर लेप करने से तुरंत खून निकलना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, आपने जाना अरबी के फायदों के बारे में। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा अरबी से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में, यानी इसके परहेज के बारे में, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। पहला, कच्चे रूप से अरबी का पौधा जहरीला हो सकता है, इसलिए इसे कच्चा खाने की गलती ना करें, हमेशा इसे पकाकर खाएं। नंबर दो, अरबी का सेवन बात विकारों से पीड़ित रोगियों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए ऐसे रोगियों को अरबी का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, अरबी के पत्ते कफ को बढ़ाते हैं, इसलिए अस्थमा से पीड़ित स्त्री पुरुषों को अरबी के पत्तों की सब्जी नहीं खाना चाहिए। नंबर चार, इसके अलावा जिन लोगों के घुटनों में दर्द होने की शिकायत रहती है और खांसी हो, उन्हें भी अरबी का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर पाँच, प्रसव के बाद अरबी का सेवन करने से बात विकार की उत्पत्ति की अधिक संभावना रहती है। नंबर छः, गैस से पीड़ित रोगियों को भी अरबी का सेवन हानि पहुँचाते हैं।